नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में तबाही की बारिश, 6 जगह बादल फटे, 50 लोग लापता, 47 घर और 7 पुल बहे, मलाना बांध टूटा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्यरात्रि भारी बारिश ने कहर बरपाया है। 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। प्रदेश में 50 लोग लापता हो गए हैं, अभी तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। 47 घर, 10 दुकानें, 7 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 18 वाहन, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गया है। कुल्लू जिले में नैन सरोवर, भीमडवारी, मलाना मंडी में राजबन, चंबा में राजनगर और लाहौल के जाहलमा में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इस मानसून एक रात की बारिश ने बीते साल की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। प्रदेश में 7 घंटों में सामान्य से 305 मिलीमीटर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने खराब मौसम को देखते हुए मंगलवार रात से रेड अलर्ट जारी किया था। प्रदेश में 2 NH समेत 445 सड़कें बंद चल रही हैं। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। CM सुक्खू बोले, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए संवेदनाएं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार देर रात 5 जगह बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले में 3 जगह और मंडी और शिमला में 1-1 जगह बादल फटा है। राज्य मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 4 शव बरामद हुए हैं, जबकि 50 लोगों के लापता होने की सूचना है। हिकिम नाले पर इतने रुपए से बनेगा 68 मीटर लंबा स्पैन पुल। लोक निर्माण तथा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज होली घाटी के चोली क्वारसी संपर्क मार्ग पर हिकिम नाले पर बनने वाले स्टील ट्रस पुल निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 68 मीटर लंबे स्पैन पुल के निर्माण कार्य पर 3 करोड़ की धनराशि व्यय होगी तथा ग्राम पंचायत क्वारसी के लोगों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों दलितों के आरक्षण के खिलाफ साजिश रची। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी व इनके पूर्वजों द्वारा पिछड़ों दलितों के आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण से कुछ लोगों के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें ही है। कहा, यह वही लोग हैं जिनके पूर्वज देश के पिछड़ों दलितों और वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उनके ही घरों में बुद्धुओं की भरमार है। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, शिमला में फूंका अनुराग ठाकुर का पुतला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज DC ऑफिस शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए सांसद का पुतला फूंका। इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किया है, वो बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक देश में ऐसी भाषा से परहेज होना चाहिए। सांसद अनुराग ठाकुर उस परिवार से उनकी जाति पूछ रहे हैं जिनके परिवार ने इस देश के लिए अपनी जाने तक कुर्बान कर दी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का ही नहीं अपितु देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया है। सड़क धंसने से 200 फीट गहरे नाले में गिरा सिलेंडर से भरा ट्रक, चालक घायल। विकासखंड लंबा गाँव की मुंगल पंचायत के रोपा गाँव के पास आज सुबह 8 बजे के करीब सिलेंडरों से भरा एक ट्रक करीब 200 फीट नीचे नाले में गिर गया।
इसके चलते ट्रक चालक बुरी तरह घायल हो गया। घायल चालक की पहचान मोनिश कुमार 37 वर्षीय गांव वनगढ़ डाकघर जठेड़ी तहसील व जिला ऊना के रूप में हुई है। शानन परियोजना वापस लेने को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। पंजाब को बिना देरी लौटानी चाहिए परियोजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मंडी के जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का मामला मजबूती से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष बोले, नदी नालों से दूर रहें लोग, एक दूसरे का करें सहयोग केंद्र हिमाचल के साथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बार त्रासदी का दौर इस बरसात में भी शुरू हुआ है, जो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। आज रात से जिस प्रकार से बारिश से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हुई है, जिसके कारण बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है। ठाकुर ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है, 50 लोगों की मिसिंग यानी कि जो बाढ़ की चपेट में आए हैं और 2 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है, यह भी खबर हमको प्राप्त हुई है। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 31 जुलाई की रात विभाग को 44 करोड़ रुपए की चपत। सरकार ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की आगामी आदेशों तक सारे अवकाश रद्द कर दिए हैं। इन कर्मचारियों को फील्ड में रहकर पानी की स्कीमों को दुरुस्त करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात को बादल फटने और बाढ़ से जल शक्ति विभाग को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 352 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यह नुकसान कुल्लू शिमला और रिकांगपियो में हुआ है। शिमला के मतियाना की कुरपन योजना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पंप हाउस मशीनरी और पाइपें बहने से 10 करोड़, रामपुर पेयजल का सोर्स और पाइप बहने से 8 करोड़ की चपत लगी है। विभाग को अलर्ट पर रखा है। स्कीमों को एहतियातन मौके के मुताबिक बंद किया जा रहा है ताकि गाद से स्कीमों को बचाया जा सके। वहीं कुल 2421 स्कीमों में 1438 बाहर हो चुकी हैं। अब तक विभाग को 196 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर रहकर स्कीमें ठीक करें। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।